एक्सीडेंट ना हो इस बात का जितना ख्याल सड़क पर रखना होता है उतना ही आसमान और समंदर में भी, क्योंकि बड़े बड़े क्रूज शिप में हजारों लोग सवार होते हैं और अगर कभी टाइटैनिक जैसा बड़ा हादसा हो तो जान माल का भारी नुकसान होता है। लोगों को बचाने के लिए क्रू को तो खास तरह की ट्रेनिंग दी ही जाती है, लेकिन इतना काफी नहीं है। आइए जाने कि यहाँ तकनीक हमारी मदद कैसे कर सकती है। अभी तो बस ये एक ड्रिल है, लेकिन डूबते जहाज को खाली कराते समय यात्री जल्द घबरा सकते हैं, उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। असली इमरजेंसी में कैप्टन के पास पेपर प्लान से कुछ ज्यादा होता है, लेकिन उसमें ये पता नहीं चलता कि उस समय यात्री और क्रू सदस्य कहाँ हैं। यदि कुछ जगहों तक पहुंचना मुश्किल हो तो ये जानना संभव नहीं होता कि क्या वहाँ लोग फंसे हैं। हमें क्रू सदस्यों की रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। हर क्रू मेंबर अपने एरिया को चेक करता है और केंद्रीय बचाव दस्ते को रिपोर्ट देता है। वो कमांड ब्रिज को पूरी जानकारी भेजता है। इस तरह हमें पता चलता है कि किस जगह कितने लोग हैं और किस समय तक कितनों को बचा लिया गया है। जहाजों पर बचाव कार्य को तेज और बेहतर करने के लिए कई तरह के तकनीकी उपाय विकसित किए जा रहे हैं। कई देशों के इंजीनियर इस यूरोपीय रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हैं। हमने वायरलेस टैग बनाए हैं जिन्हें लाइफ जैकेट में जोड़ा जा सकता है। इनकी मदद से तुरंत जाना जा सकता है कि कौन कहां है। जहाज को खाली कराने के दौरान इससे सुरक्षा अधिकारियों को हर पैसेंजर और क्रू मेंबर के बारे में सही जानकारी मिलेगी। इसे संभव बनाने के लिए पुराने स्मोक डिटेक्टर को बदलने की जरूरत है। नए मॉनिटरिंग सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर ट्रांसपॉन्डर की भूमिका निभाते हैं और जहाज पर एक वायरलेस नेटवर्क तैयार करते हैं। लाइफ जैकेट में लगे टैग को सही समय में ट्रैक किया जा सकता है। इस तरह तेजी से फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि टैग के कारण कैप्टन को हमेशा लोगों की लोकेशन का पता चलता रहता है। ये इंटरफेस पेपर प्लान जैसा ही है, इसलिए बिना ज्यादा ट्रेनिंग के इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की मदद से देखा जा सकता है कि कौन कहाँ है। आप अलग अलग डेक को जूम कर देखते हैं कि वहाँ कितने लोग हैं। पेपर वाले वर्जन से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। यात्रियों को उनके नामों से तलाशने के बदले क्रू सदस्य नए सिस्टम में एक हाथ में लगे उपकरण से हर बचाए गए यात्री की शिनाख्त कर सकता है। स्मार्ट टैग को ब्रेसलेट में भी डाला जा सकता है जो सुरक्षा की नई संभावनाएं खोलेगा। ब्रेसलेट की एक और खासियत यह है कि वो जरूरत पड़ने पर उसे पहनने वाले के स्वास्थ्य को भी मॉनिटर कर पाएगा। बीमार यात्रियों के लिए ये बहुत अच्छा है। ये उन माता पिताओं की भी मदद कर पाएगा जो जहाज पर अपने बच्चों की लोकेशन पर नजर रखना चाहते हैं। ये नए कॉम्पैक्ट लो पावर उपकरण जहाज पर इमरजेंसी की हालत में बचाव और राहत कार्य को बहुत आसान और सरल बना देंगे। इससे भगदड़ की आशंका खत्म होगी और निर्दोष जाने बचेंगी।